So, होता फॉर एग्जाम्पल जेम एन आई एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो अपने यूजर्स को 8.05% परसेंट का यील्ड प्रॉमिस करता है विच इज अमेजिंग सोच के देखिए जेम एक्सचेंज पर क्रिप्टो डिपॉजिट या बाय कीजिए एंड उस रखे हुए क्रिप्टो पर आपको 8% परसेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है अमेजिंग राइट बट ये इंटरेस्ट आता कहाँ से है सो जेमेन आई अपने यूजर्स का डिपॉजिटेड क्रिप्टो जेनेसिस को देता है जेनेसिस इस क्रिप्टो को बड़े बड़े हेज फंड्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लोन पे देता है हाई इंटरेस्ट रेट पर अब इस लोन से जो इंटरेस्ट आता है जेनेसिस इसमें से कुछ अमाउंट जेमेन को पास ऑन करता है और जेमेन कुछ अमाउंट अपने यूजर्स को पास ऑन करता है सो so, इमेजिन अगर जेनेसिस बैंक हो जाता है ना सिर्फ जेनेसिस बल्कि जेमेन जैसे बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो अपने यूजर्स के मिलियंस ऑफ डॉलर जेनेसिस को देते हैं टू अर्न इंटरेस्ट उन सब का पैसा फंस जाएगा तो अगर जेनेसिस बैंक होता है तो वो अपने साथ इन सारी कंपनीज को एक साथ ले डूबेगी फॉर क्रिप्टो मार्केट क्या आपको थ्री ए सी याद है ये वो कंपनी है जो लूना को लैप्स के बाद बैंक करप्ट हो गया था जेनेसिस ने इसी थ्री एसी कंपनी को टू पॉइंट फोर बिलियन डॉलर का लोन दिया था तो जब थ्री एसी को लैप हुआ था तब जेनेसिस को हेल्प करने के लिए आगे आई थी जेनेसिस की पेरेंट कंपनी डीसीजी बट अब फिर से जेनेसिस के मिलियंस ऑफ डॉलर एफ टी एक्स को लैब्स की वजह से स्टक है इनफैक्ट जेनेसिस ने एलोमीडा रिसर्च को भी लोन दिया था जो अब बैंक करप्ट हो चुकी है डीसी जी जेनेसिस के साथ साथ ग्रे स्केल क्वाइंटेक्स जैसे बड़े बड़े क्रिप्टो कंपनीज को ओन करता है एंड जब से ग्रे स्केल ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखाने के लिए मना किया है सिक्योरिटी का बहाना देके तब से देर आर रूमर्स की ग्रे स्केल भी स्ट्रगल कर रही है विच इज अगेन अमंग दी बिगेस्ट क्रिप्टो कंपनीज लास्ट वीक जेनेसिस ने अपने ऑपरेशन हॉल्ट कर दिए थे लास्ट वीक जेनेसिस ने वन बिलियन डॉलर इमरजेंसी फंड इन्वेस्टर्स से उठाने की कोशिश की थी बट अब तक जेनेसिस नाकाम है इनफैक्ट जेनेसिस बायस के पास गई थी बट एज पर रिपोर्ट्स बाइनेंस ने भी जेनेसिस को डिक्लाइन कर दिया है ऐसे में के रिपोर्ट के हिसाब से जेनेसिस का कहना है कि अगर वो फंडिंग नहीं उठा पाई जेनेसिस की बैंक तय है इसी वजह से क्रिप्टो इज क्रैशिंग सिंस येस्टरडे फियरिंग जेनेसिस कोलैप्स बट फाइनली अगर जेनेसिस क्रैश होता है देन वी विल सी दी वर्स्ट क्रिप्टो फॉल एवर दस दिस इज मेजर रिस्क राइट नाउ इन क्रिप्टो इंडस्ट्री नाउ रिस्क नंबर टू आपको याद होगा एफ टी एक्स बैंक की न्यूज आते ही एफ टी एक्स की हैक होने की न्यूज आई थी तब हैकर ने लगभग 2.5 लाख ईथ हैक कर लिए थे जिसके बाद वो अमंग टॉप 27 सेवन ईथ होल्डर बन चुका था बट अब इस हैकर ने ईथ डंप करना शुरू कर दिया है ट्वेंटी नवंबर को इस हैकर ने 50,000 थाउजेंड ईथ डंप किए जिसके बाद इथेरियम की प्राइस 1200 से 1100 हंड्रेड डॉलर पे आ गिरी कल फिर से इस हैकर ने ट्वेंटी थाउजेंड ईथ और डम किए लेकिन उसके बाद भी इस थर्टी सिक्स टॉप ईथ होल्डर हैकर हैकरेंटली ईथ एक्सचेंज कर रहा है फॉर बिटकॉइन यूजिंग द ब्रिज एंड आज इस हैकर ने लगभग 200 मिलियन डॉलर्स ऑफ क्रिप्टो 12 डिफरेंट वॉलेट्स में ट्रांसफर किए हैं प्रॉबेबली टू एस्केप फ्रॉम अथॉरिटीज आईज करेंटली इट्स नॉट क्लियर दैट इफ ही बी एबल टू कन्वर्टेड इंटू कैश और नॉट बिकॉज एवरीबडी इज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन ईच ऑफ हिस्स मूव बट इमेजिन अभी भी हैकर के पास बहुत सारे टोकन बाकी हैं तो अगर उस हैकर ने अपने वन लैक एट

एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी, एनर्जी ने हंड्रेड मिलियन का जो लोन लिया था उस पर डिफॉल्ट करने के वजह से नाउ दे आर अनप्लगिंग सम ऑफ देयर माइनिंग हार्डवेयर सिमिलरली माइनर्स आर स्ट्रगलिंग एंड thus फोर्स टू सेल बिटकॉइन अग्रेसिवली दिस हैज बिकम another रिस्क फॉर Bitcoin's प्राइस नाउ हमने करंट मार्केट सिनेरियो के तीन मेजर रिस्क डिस्कस किए अब सवाल आता है कि ये रिस्क बिटकॉइन की प्राइस कितना नीचे ले जा सकती है सो फ्रेंड्स मेजर रिस्क है जेनेसिस अगर ये बैंक होती है तो बिटकॉइन ने जो नया लो हिट किया था एट फिफ्टीन थाउजेंड फोर एट्टी यहाँ से बिटकॉइन विल नेक्स्ट फॉल टू थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड डॉलर बट जैसे FTX एक्स के बाद एक कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है वैसे ही अगर हुआ, तो फिर से एक देखने को बिटकॉइन टेन डॉलर तक भी गिर सकता है सो आई एम कंटिन्यू इन बेरिस्ट ट्रेंड बात करें इथेरियम की तो इथेरियम स्ट्रगल कर रहा है वन थाउजेंड डॉलर के ऊपर रहने के लिए करंटली ट्वेल्व हंड्रेड डॉलर एक रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर रहा है एंड देर इज अ सपोर्ट लेवल एट नाइन हंड्रेड टू वन थाउजेंड डॉलर बट अगर

आप इस हाई वोलिटैलिटी का फायदा उठा सकते हैं बाय डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग जो कॉइन्स में नजर आ रहे हैं उस पर आप शॉर्ट करके पैसे कमा सकते हैं एंड जो आपको बुलिश ट्रेंड नजर आ रहे हैं आप उनमें लॉन्ग करके पैसे कमा सकते हैं सो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करना है प्रॉफिट बुक कैसे करना है इसमें जानने के लिए आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कॉइन में यू मस्ट वेट अ लिटल राइट नाउ द नेक्स्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वोलिटाइल तो अगर फिफ्टीन से नीचे गिरता है तो अगर अगला जो नया बॉटम क्रिएट होगा आई एम गोइंग टू टेक सम टेकिशन इन देम एंड टेल यू अबाउट विच कॉइन्स आई एम बाइंग सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर मोर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग विडियोज एंड डू हिट द लाइक बटन टू सपोर्ट माई हार्ड वर्क थैंक्स फॉर वॉचिंग आईज इन्वेस्टिंग